है आपका, चाहते हैं इसमें पूरी वीडियो उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित है। चारों खबरें देखते हैं लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। पहली खबर प्रकाशित है ये, शासन को प्रस्ताव भेजा गया है पीसीएस मुख्य परीक्षा से खत्म हो सकता है वैकल्पिक विषय, एपीएस वाला भी है इसी में, और थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। संबंधित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा की वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म हो सकती है, इसको लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है। कुछ राज्यों में ऐसा बदलाव किया जा चुका है। पृथ्वी छात्रों ने भी कई बार इसकी मांग उठाई है, इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलती है तो स्केलिंग का विवाद, जो मुख्य जड़ थी इसमें वो थी स्केलिंग का विवाद। पीसीएस मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज़्यादा अंक मिलते हैं, इसकी शिकायत मानविकी विषय के अभ्यर्थी अक्सर करते हैं। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए बढ़ाए जाने का किसी को फायदा तो किसी को नुकसान होता था। पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया है कि स्केलिंग के चलते हिंदी भाषा और मानविकी विषय के अभ्यर्थियों का काफ़ी नुकसान हुआ। स्केलिंग के चलते ही यूपी में दूसरे राज्यों के तमाम अभ्यर्थियों का चयन हो गया, इसीलिए पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग तेज हुई। मांग है कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाकर उसकी जगह यूपी आधारित प्रश्न पत्र शामिल किए जाए, इससे यूपी के अभ्यर्थियों का चयन होगा और स्केलिंग का भी विवाद खत्म हो जाएगा। वैकल्पिक विषय खत्म करने के लिए अभियान चला रहे प्रतियोगी छात्र कौशल सिंह का कहना है, पीसीएस 2023 के विज्ञापन में इस बदलाव का इंतजार है, अगर बदलाव होता है तो बड़ी राहत मिलेगी। एपीएस भर्ती का विज्ञापन जल्द ही आ सकता है। अपर निजी सचिव, एपीएस की भर्ती नियमावली में संशोधन को शासन से मंजूरी मिल गई है, अब आने वाले कुछ दिनों में इस भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। 10 वर्षों से इस पद पर भर्ती नहीं हुई थी, शनिवार को ही एक तो ये है राजपत्रित हो गए हैं। नई नियमावली के अनुसार अपर निजी सचिव का पद अब समूह ख का राजपत्रित पद होगा। इसके लिए CCC सर्टिफिकेट की अनिवार्यता होगी। कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी, साथ ही पदों की संख्या 612 से बढ़ाकर 730 कर दी गई है। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। एक दशक से इसकी भर्ती न आने के कारण प्रतियोगी छात्र निराश हैं। प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवा .. इनके कई नाम हैं, इसे छोड़िएगा, इससे आगे चलते हैं, दूसरी खबर देख लेते हैं। ये वही है, 612 से 730 पद हो गए हैं, राजपत्रित हो गए हैं, विज्ञापन जल्द ही जारी होगा। 4800 लेवल ग्रेड पे इसका 4800 हो गया है। एपीएस की भर्ती ये लीजिए, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये यहाँ पे आया है, इन्होंने वो हेडिंग एक्सक्लेमेटरी सेंड और बना दिया है पीछे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीन सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। पीसीएस 2023 के विज्ञापन में देरी का कारण भी इसी संभावित बदलाव को बताया जा रहा है। हालांकि आयोग की ओर से इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक बात तो तय है कि मेन से वैकल्पिक विषय हटता है तो हिंदी पट्टी के छात्रों की मांग पूरी हो जाएगी। सूत्रों के अनुसार मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने का प्रस्ताव आयोग की ओर से शासन को पहले ही भेजा जा चुका है। वैकल्पिक विषय हटने से स्केलिंग का विवाद अंत होने के साथ मानविकी और विज्ञान वर्ग के सभी छात्रों में समानता हो जाएगी। अभी विज्ञान वर्ग के छात्र विज्ञान के विषयों जैसे गणित भौतिकी आदि में अधिकतम अंक लाकर चयनित हो जाते हैं, जबकि मानविकी विषयों जैसे हिंदी इतिहास समाजशास्त्र आदि में इतने अंक लाना संभव नहीं हो पाता। यही सबसे बड़े विवाद का कारण है। कई राज्यों ने वैकल्पिक विषय समाप्त किया है। आप जुड़े रहिए लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी खबर पाने के लिए, तैयारी करने के लिए। एक फ्री का टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।